jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। रूस में एक टीवी एंकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। टीवी एंकर जाना वेबर का बेटे की कस्टडी को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बहस के दौरान हसबैंड ने अपने 9 साल के बेटे के सामने ही उसे गोली मार दी, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराने लिए जाया जा रहा था कि इसी दौरान रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। 29 साल वेबर साउदर्न रूस के क्रासनोदर रीजन में अपने बेटे के साथ रहती थीं। वो अपने रीजन में काफी पॉपुलर टीवी पर्सनैलिटी थीं। वेबर 2 साल पहले ही अपने 36 साल के हसबैंड एनाटोली लियोनिकोव से अलग हुई थी, लेकिन ऑफिशियली इनका डिवोर्स नहीं हुआ था। उसका अपने हसबैंड के साथ बेटे दिमित्री की कस्टडी को लेकर विवाद चल रहा था। मर्डर के दिन भी उन दोनों के बीच इस बात को लेकर विवाद हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दिन विवाद बढ़ने पर एनाटोलिया ने एयर राइफल से वेबर पर गोली चला दी और मौके फरार हो गया। वो अपने बेटे को भी वहां से साथ लेकर भागा था और उसे अपनी फैमिली के पास पहुंचा दिया। हालांकि बाद में खुद को उसने पुलिस के हवाले कर दिया। एनाटोलिया मॉस्को के पास कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बिल्डर के तौर पर काम करते हैं। वो 26 दिसंबर को अपनी वाइफ के घर पहुंचे थे। वेबर की एक दोस्त ने बताया, इस कपल के बीच में बेटे के अलावा और भी कई बातों को लेकर तकरार थी। दोनों के प्लान और पोजीशन में काफी फर्क था। उसकी दोस्त ने बताया कि वेबर बहुत ही एम्बिशियस थी और उसका लाइफ को लेकर बड़ा प्लान था। वो बड़े शहर में शिफ्ट होना चाहती थी। वहीं उसका हस्बैंड बिल्डिंग हाउस में एक फोरमैन का काम करता था। एनाटोलिया एक पुलिसमैन था, इसलिए उसे एयरगन रखने की परमिशन थी।